अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान HVACR से रिलेटेड पाकिस्तान एक्सपो के अंदर लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होनी है, इसके अंदर हम मौजूद हैं। और FRP एक वेल नाउन ब्रांड है कूलिंग टावर से रिलेटेड, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से HVAC के अंदर ये फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी कंपनी के बारे में। वकास फारूकी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग FRP इंजीनियर्स। लाहौर बेस्ड कंपनी है हमारी एंड वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ HVAC प्रोडक्ट्स। ओके सर, आप अपनी मेन प्रोडक्ट्स बता दें, कूलिंग टावर्स और इसके अलावा क्या चीज़? यस, वी आर डीलिंग इन कूलिंग टावर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स हैं, क्योंकि ये सारी एलाइड प्रोडक्ट्स हैं। कूलिंग टावर कम्स विद हीट एक्सचेंजर्स और उसके साथ फिर आपके पंप्स आते हैं, तो ये पूरा सर्किट है जिसके अंदर हम डिज़ाइन भी करते हैं और फैब्रिकेट भी करते हैं, इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग टिल द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो हमारा उसके साथ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कूलिंग टावर्स के अंदर के आपके कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं आपके पास? कूलिंग टावर्स में हम लोग बेसिकली पैकेज टाइप कूलिंग टावर्स कर रहे हैं। पैकेज टाइप ये कूलिंग टावर्स हैं जिस तरह आपके स्मॉलर साइज़ के हैं, दीज आर नॉट फील्ड डायरेक्टेड। इससे जो बड़ा स्कोप आता है वो फील्ड डायरेक्टेड कूलिंग टावर्स होते हैं। हमारा फोकस है पैकेज टाइप कूलिंग टावर्स में। इसमें हम लोग क्रॉस फ्लो टाइप कर रहे हैं और काउंटर फ्लो टाइप कूलिंग टावर्स कर रहे हैं, तो ये दोनों टाइप्स हैं जो हमारी अपनी इन हाउस है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ टर्किश ब्रांड निबा। टर्किश है जैसे इनका ये नाम लिखा हुआ है निबा, तो इसको भी डील करते हैं। ये भी कूलिंग टावर से रिलेटेड, ये भी कूलिंग टावर करते हैं। और इनका जो सेलिंग पॉइंट है वो टोटल कूलिंग टावर कंपोजिट के अंदर है, मेटल फ्री। ठीक हो गया, यानी आपके इस कूलिंग टावर के अंदर रस्ट नहीं लगने के कुछ चांसेस हैं। तो दिस इज आइडियल फॉर आपकी जहाँ पे क्रोसिव एनवायरनमेंट होता है उसमें आपका फाइबर ग्लास का मटेरियल इज आइडियल। अच्छा सर, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट दीजिए। मैंने अभी देखा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर आपके पास पड़े हुए हैं, इससे मुझे बताएं कि इसका किस तरीके से, आप कौन सी कंपनी के और ये किसी? यस, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स में हम लोग एरिस है, एक टर्किश ब्रांड, अदाना में इनकी फैक्ट्री है, तो हम उनको पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर ये डिफरेंट मेटलर्जीज की ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपके क्लोराइड्स ज़्यादा हैं तो वी कैन गो विद टाइटेनियम प्लेट्स, अदरवाइज 316, SS316, 304 ये यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, तो ठीक हो गया सर। अच्छा मुझे ये बताएं सर्विस, आपको पता है कि ब्रांड को सेल करना इतना बड़ा इशू नहीं होता, उसके बाद आता है आफ्टर सेल सर्विस का इशू। आप इसके बारे में बताएं कि जितनी चीज़ें तुर्किश ब्रांड और ये पाकिस्तानी जो ब्रांड कूलिंग टावर से रिलेटेड हैं, इनके आप आफ्टर सेल किस तरीके से और वारंटी के बारे में बताएं इनके बारे में? यस, वी हैव अ कम्प्लीट एक्सपीरियंसड वेल ट्रेंड स्टाफ ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इंस्टॉलेशन फ्रॉम कराची टू खैबर ऑल ओवर डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लगी हुई हैं, तो हमारे हर रीजन के अंदर ट्रेंड स्टाफ होते हैं 24/7 अगर उनकी कोई कंप्लेंट वगैरह आती है। प्लस बैकअप में आपके पास सारी जो कूलिंग टावर के इंटरनल्स होते हैं, फैंस हो गए, तो ये हमारे पास स्पेयर का अच्छा एक रिच स्टॉक हम लोग रखते हैं। इस वजह से हमारा क्लाइंट कैन कॉल अस एनी टाइम। और कूलिंग टावर लाइक यू सेड इजी टू सेल, बट कस्टमर रिटेंशन सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस से ही मैनेज होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताया ये जो आपने तुर्किश ब्रांड बताया और ये पाकिस्तान, ये जो FRP है ये प्योरली पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड है? यस, हम लाहौर बेस्ड हैं और बेसिकली इट्स अ फैमिली ओन्ड कंपनी। आई एम रनिंग इट विद माय फादर एंड माय ब्रदर, वी आर ऑल इंजीनियर्स। UET से हम लोग ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो हम प्योरली लाहौर बेस्ड हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। असल में लोगों के जहन में एक बहुत चीज़ आती है मेनली कि यार शायद हम कम्पीट नहीं कर सकते इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, तो इस हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान की प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो इसके पूरा, जैसे आप बता रहे हैं कि हमने पूरी मेयरमेंट और मटेरियल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसके बारे में बताया। देखें, हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कोर्स हम्बल बिगनिंग्स थी हमारी भी, हमने आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व की है। R&D इज मस्ट। आप क्लाइंट कस्टमर फीडबैक आती है आपके पास, आप उस प्रॉब्लम को अंडर द रग ना रखिए, उस प्रॉब्लम पे वर्किंग करें, उसका सलूशन निकालें। तो बीइंग इंजीनियर्स हम इसको चैलेंज लेते हैं और हमारा R&D एक ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। इससे हम लोग अपनी प्रोडक्ट भी इवॉल्व हो रही होती है और हमारा कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी हमारे ऊपर डेवलप हो रहा होता है कि हम हाथ खड़े नहीं कर देते, वी आर विद देम टिल द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अच्छा सर, ये टोटल फैब्रिक है, फाइबर से है, सॉरी इसके फैन और पूरी इसकी बॉडी फाइबर से है? ठीक हो गया। यस, फाइबर ग्लास। अच्छा मुझे पंप्स को भी डील करते हैं? यस, हम वाटर ट्रांसफर पंप्स के अंदर भी डील करते हैं, वाटर सर्कुलेशन पंप। यस, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सर्किट होता है, तो इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ। इंस्टॉलेशन के ऊपर भी वर्किंग है आपकी कि नहीं? यस, इंस्टॉलेशंस भी हम लोग करते हैं, प्लंबिंग, पाइपिंग, पाइपिंग सिलेक्शन मैं खुद डिज़ाइन करके देता हूँ, क्योंकि
प्रॉपरली सिलेक्टेड कूलिंग टावर इफ इट इज नॉट इक्विप्ड विद प्रॉपर पाइपिंग तो इट्स वोंट वर्क। कूलिंग टावर सिलेक्शन कंप्लीट सर्कुलेशन जो है आपकी पूरा साइकिल आप उसके ऊपर उसके अंदर जितने सेंसर्स हैं एक्चुएटर्स हैं ऑटोमेशन है उसके ऊपर भी आपकी बिल्कुल सारी इसके ऊपर हम एक्सपर्टीज देते हैं क्लाइंट को साइजिंग सिलेक्शन ये पूरा स्कोप हम लोग कवर करते हैं। ये लाहौर में मैन्युफैक्चर लाहौर में फिरोजपुर रोड 31 किलोमीटर पर हमारी फैक्ट्री। बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेजर थैंक यू सो मच। ओके ठीक है थैंक यू।